हेलो वर्गोस, ये आपकी जून मंथ की लव रीडिंग है। इसे आप सन मून असेंडेंट किसी भी साइन से देख सकते हैं। इस रीडिंग से अपनी एनर्जी को अलाइन कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए। वर्गोस कीजिए। वाओ, वर्गोस, ऐसा लग रहा है आप काफी स्ट्रेंथ फील कर रहे हैं और किसी दो चीज़ों में आप जगलिंग भी कर रहे हैं। दो पर्सन आप हो सकते हैं ये आपकी लाइफ में, जिनको लेके आप जगल करते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर ये आपके या आपकी प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ हो सकती है जिसमें आप जगलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, और हाँ, कोई तो पर्सन है जिनके साथ ऐसा लग रहा है कोई रिलेशनशिप है जिसमें आप जितना दे रहे हैं, आपको आप जितना एफर्ट लगा रहे हैं जिस रिलेशनशिप में, आपको भी वहाँ से उतना मिल रहा है। जितना भी आप एफर्ट लगा रहे हैं रिलेशनशिप में, दूसरा पर्सन भी उतना एफर्ट लगा रहा है। अब थोड़ा डिटैच है लोगों से, अपने आप से कनेक्ट कर रहे हैं, लोगों से थोड़ा आपने दूरी बनाई हुई है, सॉलिट्यूड में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपने आप से कनेक्ट कर रहे हैं, थोड़े स्पिरिचुअल होते हुए भी नजर आ रहे हैं आप। किसी चीज़ की तरफ आप देख रहे हैं, कोई जिसके भी बारे में आप सोच रहे हैं, आपके पास्ट पर्सन हो सकते हैं जिनकी तरफ आप देखते हुए नजर आ रहे हैं, उनके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। आप कहीं जाना चाहते हैं, पर किसी रिलेशनशिप में शायद आप आगे बढ़ना चाहते हैं, पर आप फिर भी पास्ट में थोड़े अटके हुए नजर आ रहे हैं। आप जानते हैं कि इस रिलेशनशिप में, जो भी न्यू रिलेशनशिप है आपका, जिसके भी साथ आप बॉन्ड शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके भी साथ आपका बॉन्ड नजर आ रहा है, उनके साथ आगे बढ़ने से आपको सक्सेस मिलेगी लाइफ में। आप जो भी जैसा रिलेशन चाहते हैं, आप जानते हैं कि आपको उसमें सक्सेस मिलेगी, बट फिर भी आप बस सोच रहे हैं, जैसे आप पास्ट को, पास्ट पर्सन को मिस कर रहे हैं। और क्या थोड़े तो आप डिसअपॉइंट लग रहे हैं, कुछ ऐसा लग रहा है कि आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं किसी के साथ और कोई रिश्ता ख़त्म हुआ, और अब ऐसा लग रहा है कि आप या आपके पर्सन जिनसे भी आपका रिलेशन ख़त्म हुआ है, वो रिग्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आप या आपके पर्सन इस रिलेशनशिप से निकलना चाहते थे, और जब निकल चुके हैं तो अब आपको मिस कर रहे हैं। ये आप भी हो सकते हैं, आपके पर्सन भी हो सकते हैं, या आपकी एनर्जीज नज़र आ रही हैं। आप ही काफ़ी सोचते हुए नज़र आ रहे हैं पास्ट के बारे में। पास्ट में कुछ तो हुआ है जिसके बारे में आप सोचकर आप रिग्रेट फील कर रहे हैं, पास्ट को याद करते हुए नजर आ रहे हैं। और न्यू कुछ आप किसी न्यू पर्सन के साथ आगे बढ़ते हुए भी नजर आ रहे हैं, कोई लीप ऑफ फेथ आप ले रहे हैं किसी पर्सन के साथ। आप लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, बट आप आगे बढ़ नहीं पा रहे, पास्ट में इतने स्टक हो गए हैं, रेस्ट रेस्ट कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। जो भी हर्ट मिला है, जो भी पेन मिला है लाइफ में पास्ट से, उसको ऐसा लग रहा है हील कर रहे हैं आप। आगे बढ़ना तो चाहते हैं बट बढ़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अभी आप पॉज ले रहे हैं, सोच ही रहे हैं। किसी कोई न्यू पर्सन हो सकता है आपकी तरफ अप्रोच कर रहे हो, किसी न्यू पर्सन के साथ आप हो सकते हैं, बट आप उसमें उसको लेकर सोच रहे हैं, अभी कोई डिसीजन नहीं बना रहे हैं। लवर्स, वाओ, ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, आपके आपके सोलमेट भी हो सकते हैं। आप दोनों में कोई डिफरेंस हो सकता है, या तो आपके कलर का डिफरेंस हो सकता है, कोई काफ़ी डार्क हो, कोई काफ़ी फेयर हो, एक पर्सन काफ़ी डार्क, एक पर्सन काफ़ी फेयर हो सकता है, और या फिर रिलीजन, आपका रिलीजन कास्ट अलग हो सकती है। कुछ तो आप में डिफरेंस नज़र आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपकी लाइफ का कुछ एंडिंग्स हो रही हैं लाइफ में, कुछ चेंज हो रहा है लाइफ में जिससे आप सेटिस्फाइड नहीं हैं। आपके पास बहुत कुछ है बट आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ कमी है। आपने काफ़ी कुछ अचीव किया है लाइफ में, रिलेशनशिप में भी आपने काफ़ी अचीव किया है, बट आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ कमी रह गई है, या फिर आपने किसी रिलेशनशिप में काफ़ी काफ़ी पोटेंशियल देखी थी और आपने काफ़ी इन्वेस्ट किया था किसी रिलेशनशिप में, बट वो अचानक से ख़त्म हो गया। हो सकता है किसी का डिवोर्स हो गया हो, कोई मैरिज
एंड हुई हो। आपको देख के ऐसा लग रहा है कि आप अब फील कर रहे हैं कि आपको एक सोल सोल सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है अपनी लव लाइफ में। न्यू चेंजेस आपकी लाइफ में होते हुए नजर आ रहे हैं जो काफी पॉजिटिव हैं। हो सकता है आपके पास काफी ऑप्शंस आ जाएं और आप अपने ऑप्शंस में काफी कंफ्यूज हो सकते हैं। कंफ्यूज होते हुए भी आप नजर आ रहे हैं। आपकी डेस्टिनी आपकी तरफ आपका साइड लेती हुई नजर आ रही है। आप किसी चीज से भागते हुए नजर आ रहे हैं। आप अपने पास्ट से निकलकर भाग रहे हैं। किसी पास्ट से आप दूर भाग रहे हैं। आप दूर चले जा रहे हैं ऐसा लग रहा है। निकल जाना चाहते हैं पास्ट की मेमोरीज से। पास्ट से आप दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं। आप अपने पेंटिकल्स पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। कोई पर्सन आपको पसंद करता है जिसे आप ही पसंद करते हैं। ये आपसे छोटी एज के भी हो सकते हैं। कोई दो पर्सन नजर आ रहे हैं आपकी लाइफ में। कोई आपसे यंग भी हो सकते हैं एज में और थोड़े इमेच्योर हो सकते हैं। ये स्कॉर्पियो पाइसेस कैप्रिकॉर्न साइन के हो सकते हैं। और एक पर्सन है जो काफ़ी मेच्योर हैं इस्टेब्लिश हैं अपनी लाइफ में। काफ़ी कुछ है उन्होंने अचीव किया लाइफ में। वो आपकी तरफ देख रहे हैं बस बट आपको लेके काफ़ी पैशनेट नज़र आ रहे हैं। जिस जो भी पर्सन आपकी तरफ आ रहे थे पेज ऑफ कप्स को देख कर लग रहा था कि कोई पर्सन आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं। आपको पसंद करते हुए नजर आ रहे हैं और आप उनके साथ सेटल होते हुए नजर आ रहे हैं लाइफ में। हस्बैंड वाइफ बच्चे फुलफिलमेंट लाइफ में जो भी आप विश कर रहे थे। पास्ट से आप निकलते हुए नजर आ रहे हैं और एक न्यू एनर्जीज में जाते हुए नजर आ रहे हैं जो आपके सोलमेट नजर आ रहे हैं। लव रीडिंग में लवर्स का कार्ड आ गया। वाह 6 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 9 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 10 नंबर 1 नंबर 10 दोबारा रिपीट हुआ है। 5 नंबर 8 नंबर 2 2 2 नंबर 6 नंबर 4 ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 3 3 नंबर 9 नंबर ओके और बॉटम ऑफ द डेक में आया है द हाई प्रिस्टेस। आपको यूनिवर्स से एंजल से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। जिस भी गॉड पे आप बिलीव करते हैं उन पर आपको उनसे कनेक्ट होने की ज़रूरत है। अपने इंट्यूशन की सुनने की ज़रूरत है। आपको अपने इंट्यूशन से समझ आएगा कि आपको किस तरफ जाना है। क्या आपको डिसीजन लेने हैं अपनी लाइफ में। थोड़ा मेडिटेशन कीजिए। थोड़ा अपने आप से कनेक्ट कीजिए। आपको नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों चीज़ों में बैलेंस बनाकर आगे बढ़ना है। ओके और क्या मैसेजेस आ रहे हैं प्लीज। बिल्कुल ओके एस ऑफ कप्स पहले भी आया था नहीं। एस ऑफ कप कोई तो न्यू एनर्जी आपकी तरफ आती हुई नजर आ रही है। जो भी सिंगल्स हैं उनकी तरफ कोई न्यू पर्सन आते हुए नजर आ रहे हैं। और जो किसी के साथ रिलेशनशिप में है वो तो उनके साथ सेटल होते हुए नजर आ रहे हैं। कोई पर्सन है जो स्कॉर्पियो पाइसेस कैंसर साइन के हो सकते हैं। स्ट्रेंथ पहले भी आया था कार्ड फर्स्ट स्टार्टिंग में आया था। स्ट्रेंथ दोबारा स्ट्रेंथ आ गया। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ में आने की जरूरत है। पास्ट से निकलने की जरूरत है। अपनी स्ट्रेंथ में आने की जरूरत है। द एम्प्रेस आप ऐसा लग रहा है सेल्फ लव करते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी काफ़ी अपने आप को अबंडेंट फील कर रहे हैं। काफ़ी क्रिएटिव नज़र आ रहे हैं इस टाइम पर आप। अगर आप कुछ ऐसा वर्क कर रहे हैं जो क्रिएटिविटी से रिलेटेड है तो उसमें आप काफ़ी अच्छा कर सकते हैं इस वक्त। आप अपनी स्ट्रेंथ में आते हुए नज़र आ रहे हैं और जो भी चीज़ आप चाह रहे हैं लाइफ में उसे अट्रैक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस टाइम पे आप काफ़ी कुछ अचीव करते हुए नज़र आ रहे हैं लाइफ में। कुछ सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक मैम आपने अब ऐसा लग रहा है यूनिवर्स का सब सरेंडर कर दिया है। अब आप ऐसा लग रहा है सारी सिचुएशन को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोचते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी लाइफ में क्या हुआ कैसे हुआ क्यों हुआ उस सब के बारे में आप सोचते हुए नजर आ रहे हैं। और सब कुछ आपने सरेंडर कर दिया ऐसा लगता है डिवाइन पर। जो होगा देखा जाएगा लाइफ में। क्वीन ऑफ कॉइन आप अपने पेंटिकल्स पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। आप अपने आप को एक ऐसी लेडी या ऐसा आदमी है तो आप अपने आप को ऐसा इंसान बनाना चाहते हैं जो अबंडेंट है जिसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है
और आप ऐसा पाते हुए भी नजर आ रहे हैं। ये एविडेंस से पता चल रहा है कि आप अपनी लाइफ में ये सब मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सब आपकी लाइफ में आता हुआ नजर आ रहा है। सर, आप कब्स आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं काफी, जिसमें आप कंफ्यूज नजर आ रहे हैं काफी। किसी चीज से आप दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं, ये आपके पास पर्सन भी हो सकते हैं जिनसे आप दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है लाइफ में काफी कुछ दिया है आपने अपने रिलेशनशिप में, बट उसमें आपको बहुत कुछ मिला है ऐसा लग रहा है रिलेशनशिप में, बट फिर भी आपको ऐसा फील होता है, हुआ हो रहा है कि जितना आपने एफर्ट्स दिए हैं उसका उसमें आपको उतना मिला नहीं जितना आप डिजर्व करते थे एक रिलेशनशिप में, उतना आपको मिला नहीं। और आप ऐसा लग रहा है आप उससे दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं, पास्ट से आप दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं। पास्ट में हो सकता है किसी पर्सन के साथ आप थे और आपने काफ़ी कुछ दिया रिलेशनशिप में, फिर भी आपको सामने से उतना प्यार उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिली और आप डिसअपॉइंटेड हैं और आप निकलते भी नजर आ रहे हैं इस रिलेशनशिप से। बॉटम अभी देखना आया है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, पहले भी आया था ये कार्ड। आपकी लाइफ का एक फेज एंड हो रहा है और एक फेज एक न्यू फेज स्टार्ट हो रहा है जो काफ़ी पॉजिटिव है। अब डेस्टिनी आपकी तरफ टर्न ले रही है, आप जो चाहो वो मैनिफेस्ट कर रहे हो। दी एम्प्रेस, कुछ लेडीज हो सकती हैं जो कंसीव कर सकती हैं, प्रेगनेंसी के चांसेस नजर आ रहे हैं। ओके, और कार्ड्स से देख लेते हैं और क्या एनर्जीज आ रही हैं आपके। डिसअपॉइंट नजर आ रहे हैं आप, डिसअपॉइंटेड हैं अपनी लव लाइफ में। ऐसा लग रहा है आपको लगता है, आपको लग रहा है कि जितना आपने एफर्ट्स डाले रिलेशनशिप में उतना सामने से सामने वाली पर्सन ने नहीं किया। जितना आपने नर्चर किया है एक रिलेशनशिप को उतना सामने वाले पर्सन ने उसे वैल्यू नहीं की। आप एक मेच्योर पर्सन नजर आ रहे हैं जिन्होंने अपने दम पर कुछ कुछ बिल्ड किया है अपनी लाइफ में। जस्टिस, ऐसा लग रहा है कि अब जस्टिस आ रहा है आपकी लाइफ में और जस्टिस कर्मास को भी रिप्रेजेंट करता, कर्मास को भी बताता है। अगर आपने अच्छी कर्मास किए हैं तो आपको उसके हिसाब से रिजल्ट मिलेंगे। जैसा आपने किया है वैसा रिजल्ट आपको मिलेगा। आपने अच्छा किया है तो अच्छा, बुरा किया है तो बुरा। जस्टिस एक कार्मिक रिलेशन को भी बताता है। हो सकता है आपके पास्ट पर्सन जो थे वो आपके कार्मिक पर्सन थे, इसलिए आपका रिलेशन उनसे ख़त्म हुआ है और जो आपके पर्सन अब आ रहे हैं आपकी लाइफ में वो आपके सोलमेट हो सकते हैं। आप दोनों एक दूसरे को लेकर काफ़ी पैशनेट होंगे और ये लव एंड लस्ट दोनों की एनर्जीज बताता है। आपके पर्सन फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये आपके पास्ट पर्सन नज़र आ रहे हैं जो भी आपकी तरफ आ रहे हैं, या आपके चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकते हैं आपके, या फिर कोई न्यू पर्सन जो आपके पास्ट लाइफ के पर्सन हैं। किंग ऑफ कप्स, कोई पर्सन है जो आपको लेकर काफ़ी कोई अथॉरिटेटिव पर्सन नज़र आ रहे हैं। ये स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर, लीब्रा राशि के हो सकते हैं, साइन के हो सकते हैं। काफ़ी मिच्योर हैं ये, काफ़ी अथॉरिटेटिव पर्सन नज़र आ रहे हैं। काफ़ी तेजी से आपकी तरफ आता हुआ नजर आ रहा है कोई, ये एरीज, लियो, सेजिटेरियस, फायर साइन के नजर आ रहे हैं। विश फुलफिलमेंट आपकी, ऐसा लग रहा है कुछ तो डिज़ायर है आपकी आपका जिसको आप मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं और वो रिलेशनशिप ही हो सकता है। तो लग रहा है आपकी लाइफ में सब कुछ है, बस प्यार की कमी है, रिलेशन की कमी है और उसका आप वेट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसे। तो आपसे बोला जा रहा है और अपने कम्फर्ट जोन से आपको निकलने की ज़रूरत है और एक्शन लेने की ज़रूरत है। अपने कम्फर्ट जोन से निकलिए, एक्शन लीजिए। जो भी रिलेशन आपकी तरफ आ रहा है उसमें आगे बढ़िए, पास्ट को भूल जाइए। और ये पहले भी आया था ये कार्ड, आप काफ़ी
सोचते हुए नजर आ रहे हैं। तो लग रहा है आपने पॉज ले लिया है लाइफ में और कुछ सोच रहे हैं। रिलेशनशिप के पास्ट में जो फेलियर मिले हैं आपको, उनके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं, डिवाइन से कनेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल होते हुए नजर आ रहे हैं। और जो भी रिलेशन आपकी तरफ आ रहा है उसमें आपको स्टेबिलिटी मिलती हुई नजर आ रही है, आप उनसे मैरिज करते हुए नजर आ रहे हैं। मैरिज करते हुए नजर आ रहे हैं आप, जो भी पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। बट आप अब ऐसा लग रहा है थोड़े प्रैक्टिकल हो गए हैं, आप काफी प्रैक्टिकल हो चुके हैं। आपकी तरफ कोई ऑफर आ रहा है, न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती हुई नजर आ रही है, तो आपको क्लैरिटी आती हुई नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कुछ सक्सेस आपकी तरफ आ रही है, आपको क्लैरिटी आ रही है कि प्रोफेशन में हो सकता है, आपको कुछ क्लैरिटी आ रही है कि आपको क्या करना चाहिए, जिससे आप अपनी लाइफ में अपने पेंटिकल्स अपने अब अपने फाइनेंस को बढ़ा सकें, क्या ऐसा करें उसके लिए आपको क्लैरिटी आती हुई नजर आ रही है। कोई न्यू ऑफर भी आ सकता है आपके पास, कुछ आप करते हो जिसके लिए आपको न्यू आइडियाज भी आ सकते हैं। पास्ट एनर्जी से निकलने की जरूरत है आपको, न्यू जो आपकी तरफ आ रहा है उसकी तरफ देखने की जरूरत है। और आपकी लाइफ में अबंडेंस लिखी हुई है, जो भी आप चाहते हैं लाइफ में वो आपको मिलेगा। और ये कार्ड दोबारा से रिपीट हुआ है, तो प्रेगनेंसी के काफ़ी चांसेस नज़र आ रहे हैं। अगर कोई वुमेन है जो प्रेगनेंसी को लेकर थोड़ी डिप्रेस थी, तो उनकी लाइफ में जल्दी वो कंसीव कर सकती हैं। कुछ तो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं आपके पास्ट में, और जिसका आप या आपके पर्सन रिग्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। और वाह, दोबारा से यही कार्ड आ गया, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये कार्ड पहले भी आया था, आपकी आपके आया था। आपका कुछ तो एंड हो रहा है लाइफ में, आपकी लाइफ में आपकी डेस्टिनी टर्न ले रही है। कुछ पास्ट की एंडिंग्स हो रही हैं, कुछ लोगों की लाइफ में पास्ट एंड हो रहा है और न्यू स्टार्ट हो रहा है। और जो भी स्टार्ट हो रहा है वो काफ़ी पॉजिटिव होने वाला है। दो दो चीज़ों में जगल करते हुए नजर आ रहे हैं। कोई पर्सन है जो आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट वो आपको देख ही रहे हैं, सोच रहे हैं। आप दो पर्सन में जगल करते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर आपके फाइनेंशियल और आपके पर्सनल रिलेशन हो सकते हैं जिसमें आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। आप सेल्फ लव करते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी ऐसे पर्सन आप बन चुके हैं ऐसा लग रहा है, जो सिर्फ जो पहले अपने लिए सोचता है, और एक मिच्योर पर्सन जो किसी से जो असर्टिव है, जो किसी के जो अपने ओपिनियन रखना जानता है, और किसी से जो डोमिनेट नहीं होता, ऐसा पर्सन आप बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें भी दिखाई दे रहा है कि आप दो पर्सन में कंफ्यूज हैं, आप अपने पास्ट को पकड़ के बैठे हुए हैं, और जो पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं आप उनको बस देख रहे हैं, सोच रहे हैं। ये कुछ लोगों के साथ हो सकता है जो अपने पास्ट में अटके हुए हैं, और जो अपॉर्चुनिटी उनके पास आ रही है उनको बस देख ही रहे हैं, और वो जानते हैं कि उसमें आगे बढ़ने से उनको सक्सेस मिलेगी आगे रिलेशन में, फिर भी वो सोच ही रहे हैं। वाओ दी स्टार, ये पिछले मई मंथ की मेरी रीडिंग में भी आपके आया था। स्टार, आप कुछ तो ऐसा कर रहे हैं जिसमें आप सक्सेसफुल होते हुए नजर आ रहे हैं, फेमस होते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है आप ऐसा कुछ काम कर रहे हैं जिससे आप फेमस होते हुए नजर आ रहे हैं। वाओ, आप सेल्फ लव काफी करते हुए नजर आ रहे हैं। आप अपनी एनर्जी, आप ऐसी एनर्जी में आते हुए नजर आ रहे हैं जिसमें आप अपने आप को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, दूसरों को नहीं। क्योंकि पास्ट में हो सकता है आपने दूसरों को प्रायोरिटी दी है, इसलिए आपको डिसअपॉइंटमेंट्स मिली हैं। तो अब आप ऐसा लग रहा है ऐसे पर्सन बने हैं जिन्होंने जिसने अपने दम पर कुछ पाया है। मैं कह रही थी ये बॉटम ऑफ द डेक में भी आया था, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपकी डेस्टिनी टर्न ले रही है आपकी तरफ, और अब पॉजिटिविटी आपकी तरफ आती हुई नजर आ रही है। अब एंजल्स के मैसेज देख लेते हैं, एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपको। प्लीज एंजल्स, उसको मैसेज देना चाहते हैं। इन द नियर फ्यूचर, इन द नियर फ्यूचर जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा। अ ईयर फ्रॉम नाउ, एक साल बाद भी हो सकता है ये जो आप चाहते हैं वो आपको मिले। रिमेन पॉजिटिव, आपको सिर्फ पॉजिटिव सोचना है। अगर आप किसी न्यू पर्सन के बारे में सोच रहे हैं,
या मैरिज के बारे में सोच रहे हैं किसी पर्सन के साथ, तो नियर फ्यूचर में, अ ईयर फ्रॉम नाउ, एक साल के बाद हो सकता है आप उनके साथ मैरिज कर लें, या फिर सक्सेस जो आपकी लाइफ में आ रही है वो एक साल के बाद आ सकती है। बस तो आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है। यस, अगर आपने इस रीडिंग के बीच में कोई क्वेश्चन किया है तो उसका आंसर यस है। ओके, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, किसी चीज़ के बारे में आपको फुल इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत है। हो सकता है आपसे कुछ छुपा हुआ है जिसके बारे में आपको पता नहीं है, तो आपको और इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत है। नॉट द राइट टाइम, अभी राइट टाइम नहीं है किसी चीज़ के लिए, अभी राइट टाइम नहीं है। ओके, अगर आप रिलेशनशिप में या किसी चीज़ में कोई बड़ा डिसीजन अभी लेने की सोच रहे हैं तो उसके लिए भी राइट टाइम नहीं है। ओके, और इन द नियर फ्यूचर और एक साल के बाद कुछ लिखा हुआ है आपकी लाइफ में, जो भी आप चाहते हैं, जिसके लिए भी गेस आया है, वो आपको हो सकता है एक साल के बाद मिले, या फिर आपकी लाइफ में रिलेशनशिप एक साल के बाद आए, जैसा आप चाहते हैं वैसा। ओके, और आपकी पर्सन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन हो सकते हैं, तो काफ़ी दिखे हैं, और कप्स भी दिखे थे तो, और एरीज लियो सेजिटेरियस भी आपके पर्सन हो सकते हैं, और स्कॉर्पियो पाइसेस कैंसर साइन के भी आपके पर्सन हो सकते हैं, आपके पर्सन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस साइन के भी हो सकते हैं। सारी साइंस आ चुके हैं, तो किसी भी साइन के आपके पर्सन हो सकते हैं, और आपके लिए नंबर्स 5 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 4 9 9 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 17 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 8 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, 2 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 11 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 2 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 10 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 6 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 4 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके वर्गोस, आई होप आपको इस वीडियो से कोई ना कोई गाइडेंस जरूर मिली हो, और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, और अगर आपकी लाइफ में कोई वर्गो पर्सन है तो प्लीज़ उसे ये वीडियो शेयर ज़रूर करें। हो सकता है आप किसी तरह उनकी हेल्प कर सकें, ये वीडियो उनकी किसी तरह से हेल्प कर सकें, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और 3 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। थैंक यू वर्गोज।